चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। रूस और यूक्रेन के बीच बने तनाव और डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी की वजह से MCX पर गोल्ड 50,123 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जाता दिखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को 1,898 प्रति ऑन्स पर बंद होने के पहले सोना $1,900 तक गया था। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव में थोड़ी नरमी आने पर घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों पर कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। ऐसे में गोल्ड के निवेशकों के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि सोने की यह रैली आगे जारी रहेगी या फिर अब इसमें मुनाफा वसूली करके निकलने का समय आ गया है। इस पर कमोडिटी मार्केट के जानकारों का कहना है कि सोने के हाजिर भाव ने $1,900 से $1,910 प्रति ऑन्स का अपना टारगेट जोन हिट कर लिया है और अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग के कारण कुछ करेक्शन दिख सकती है। उनका यह भी कहना है कि यूक्रेन और रूस के बीच का तनाव थोड़ा कम होने के बावजूद ग्लोबल सब महंगाई से जुड़ी चिंता अभी भी बनी हुई है, जिसके चलते अभी भी सोने की कीमतों में तेजी बनी रहेगी। गौरतलब है कि बाजार ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर US फेड के रुख को पहले ही पचा लिया है। कम्युनिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की हाजिर कीमतें $1,865 के आसपास आ सकती हैं और इस स्तर के आसपास 3 से 4 महीने की अवधि को ध्यान में रखते हुए $2,000 प्रति औंस के लक्ष्य के लिए नई खरीदारी की जानी चाहिए। घरेलू बाजार पर बात करते हुए कम्युनिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3 से 4 महीने की अवधि में MCX गोल्ड 52,000 का स्तर छू सकता है। वहीं मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा का मानना है कि सोने में किसी गिरावट का इंतजार करना चाहिए और 49,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास मिलने पर 47,500 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ हर गिरावट पर धीरे धीरे किस्तों में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता का कहना है कि सोने में 51,000 रुपये के इमीडिएट टारगेट के साथ खरीदारी की जा सकती है। अगर इसमें 3 से 4 महीने तक बने रहा जाए तो 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।